सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले टाटा स्टील BSL LTD के बारे में, और कह सकते हैं स्टॉक काफ़ी सस्ते में मिल रहा है, और हम इसे कह सकते हैं काफ़ी बड़ा जैकपॉट हमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक गाइस अच्छा खासा मोमेंटम बता रहा था कल के दिन, और आज अचानक इसमें गिरावट आ गई। तो गिरावट का सीधा सा रीज़न यही है कि स्टॉक काफ़ी टाइम बाद बढ़ा और अचानक से उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली गई, और प्रॉफिट बुकिंग का सीज़न रहा है आज, और इसी कारण स्टॉक आज नीचे गिरा है। और गाइस, काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, कल जैसे ही मार्केट खुलता है वैसे ही आपको बाइंग की ओर जाना चाहिए, वैसे ही आप बाय कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी तगड़े इसमें रिटर्न्स आपको बनते हुए नज़र आ सकते हैं। टाटा स्टील BSL LTD, और देखा जाए तो मेटल सेक्टर भी नीचे ही था, तो एक एवी रीज़न है कि स्टॉक नीचे है। बट गाइस, आने वाले टाइम में मेटल सेक्टर काफ़ी बड़ा जाएगा, काफ़ी बढ़ेगा, उसके हिसाब से बिल्कुल आपने इसने खरीदारी करना चाहिए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर शेयर्स के अपडेट्स के लिए, शेयर्स के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसके करंट प्राइस के बारे में, कहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है। तो क्लोजिंग दी है 89.45 रुपये के प्राइस पर, और वही अगर देखा जाए तो 3.50 रुपये तक स्टॉक गिर गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। गिरा है तो भी अच्छी बात है, बढ़ता तो भी अच्छी बात रहती, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अभी भी इसे होल्ड करके रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 3.77% की इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वही आगे बढ़ते हैं, और वही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 दिन के टाइम फ्रेम पर 2.70 रुपये तक स्टॉक बढ़ गया है। वही अगर 6 महीने के टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो यहाँ पर 31 रुपये स्टॉक बढ़ रहा है, तो मतलब देख सकते हो क्या तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है। और सडन इसमें उछाल आया है गाइस, और बढ़ने के बाद ये साइडवेज गया है, 55% के हिसाब से बढ़ा है, और यहाँ पर जैसे ही बढ़ा है साइडवेज ही चला है, उसके बाद इसने जंप नहीं लगाया, बट कभी भी ये बड़ा स्पाइक लगा सकता है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। और अग्रेसिव तरीके से स्टॉक बढ़ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें ब्रेकआउट की, यहाँ पर प्रॉपर इसमें ब्रेकआउट नहीं मिला है, बट गाइस यहाँ पर इसने हाई लगाया था, फिर यहाँ से बढ़ के यहाँ पर आया, फिर साइडवेज गया, फिर यहाँ पर एक कपन हैंडल जैसा पैटर्न आपको बनता हुआ दिख जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो कप एंड हैंडल पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता है, एक ऐसा कप जैसा बनता है और हैंडल जैसा पैटर्न बनता है, और ब्रेकआउट देके सीधा ऊपर की ओर जाता ही जाता है, तो एक ए पॉजिटिव चीज़ है। और अगर देखा जाए तो काफ़ी स्टॉक में काफ़ी दिनों बाद ये ब्रेकआउट होगा। वही गाइस, देखा जाए तो ओपन कहाँ हुआ था 93.95 रुपये पर स्टॉक ओपन हुआ था, 94.50 रुपये का स्टॉक ने हाई लगाया और लो लगाया था इसने 89 रुपये तक का। और मार्केट कैप की ही बात कर ले तो मार्केट कैप है 9.78 हज़ार करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें तो 6.88 का पी रेशियो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 52 वीक का हाई की अगर बात करें तो 109.70 रुपये का इसका 52 वीक का हाई है, और 23.20 रुपये इसका लो भी आपको दिखने को मिल जाएगा। सो गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या कुछ रेजिस्टेंस लेवल है। तो रेजिस्टेंस लेवल भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी स्टॉक के लिए। तो रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर बात करेंगे पहले रेजिस्टेंस लेवल की, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर 94.70 रुपये के आसपास, और सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर 95.38 रुपये के आसपास, और वही थर्ड रेजिस्टेंस लेवल अगर देखा जाए 96.97 रुपये के आसपास। गाइस, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल को हमने डिस्कस कर लिया है, अब रेजिस्टेंस लेवल के बाद हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट लेवल के बारे में, क्योंकि सपोर्ट लेवल भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और वही अगर फर्स्ट सपोर्ट लेवल अगर देखा जाए 91.37 रुपये के आसपास का फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, वही सेकंड सपोर्ट लेवल अगर देखें 90.78 रुपये के आसपास है, वही थर्ड सपोर्ट लेवल अगर देखा जाए 88.57 रुपये के आसपास का दिख जाएगा। तो गाइस, वही आगे बढ़ते और देखेंगे प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में, क्या कुछ प्राइस परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्राइस परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहले देखेंगे हम 1 वीक का, अभी का जो करंट प्राइस परफॉर्मेंस यहाँ पर चल रहा है तो अभी भी पॉजिटिव ही है, 3.04% तक पॉजिटिव है। हालांकि पिछले एक महीने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर नेगेटिव चले गया था, 0.99% तक ये नेगेटिव चले गया था, तो एक काफ़ी ये नीचे था। और वही अगर 3 मंथ्स की बात की जाए तो पॉजिटिव था, ज़्यादा नहीं बट पॉजिटिव तो था, एक मेन चीज़ होती है। और वही अगर देखा जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव था लगभग, एक मिनट गाइस, तो 0.79% के आसपास का। 1 ईयर का अगर देखा जाए तो यहाँ पर 276.89% तक पॉजिटिव था, और 3 ईयर्स का भी अगर देखा जाए 229.78% तक ये पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम से ये पॉजिटिव ही चल रहा है, बट यहाँ पर देखा जाए तो 1 मंथ में ही ये नेगेटिव गया था, बाकी तो टाइम तो ये पॉजिटिव ही रहा है, सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव गया था और बाकी टाइम सारा पॉजिटिव रहा है। तो ये बढ़ने की बिल्कुल कोशिश कर रहा है, और बिल्कुल ये देख सकते हो तो 3 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है ब्रेकआउट के हिसाब से।
और वही जो मैंने कपेट नैंडल पैटर्न बनाया वही है, 3 साल का ब्रेकआउट वहाँ पे मिले तो बिल्कुल ये स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आज भी अच्छी खासी बाइंग हुई है, बट हम देखेंगे पास्ट 6-1 मंथ के तो 22 लाख के समथिंग का यहाँ पर ट्रेड वैल्यू देखने को मिल रहा है, और 22 लाख के समथिंग यहाँ पर कॉम्बिनेंट डिलीवरी है, और 1 वीक के हिसाब से अगर देखा जाए तो 31 लाख के समथिंग का ट्रेड वैल्यू है, 31 लाख के समथिंग की ही कॉम्बिनेंट डिलीवरी है। और वही यस्टरडे की अगर बात की जाए तो 39 लाख के समथिंग की यहाँ पर ट्रेड वैल्यू है, 39 लाख के समथिंग का ही कॉम्बिनेंट डिलीवरी है। कॉम्बिनेंट डिलीवरी और ट्रेड वैल्यू अगर देखा जाए तो 100% एक्यूरेट ही है, और यहाँ पर भी आज भले ही कॉम्बिनेंट डिलीवरी डिक्लेयर नहीं हुई है बट अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेम ही रहेगी, 27 लाख के समथिंग आज ट्रेड वैल्यू ही है, और काफ़ी बेचा उठाया गया है स्टॉक को, तो हो सकता है कि आगे पीछे भी हो जाए। और गाइस अगर देखा जाए प्रॉफिट बुकिंग तो काफ़ी तगड़ी हुई ही है। और हम अब बात कर रहे हैं क्या कुछ कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के हिसाब से हमें कहा जा रहा है, बाइंग के लिए कितने लोग हैं, सेलिंग के लिए कितने लोग हैं, और होल्डिंग के लिए कितने लोग हैं। तो मेरा मानना यही है कि होल्डिंग के लिए भले ही यहाँ पर कितने भी लोग होल्ड के लिए कह रहे हो, बट मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर खरीदा है तो बिल्कुल स्टॉक को होल्ड रखना चाहिए। तो देख लेते हैं कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के, 89% लोगों का कहना है बिल्कुल बाय के लिए, बाय करने के लिए कह रहे हैं 89% लोग, बाय कॉल है उनकी ओर से। वही अगर देखा जाए और तो सेल कॉल कितने लोगों का है, तो सेल कॉल अगर देखा जाए तो 7% लोगों का कहना है आप सेल करके इसमें से निकल जाइए, तो यहाँ पर काफ़ी लोग आज निकले भी हैं, और वही कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के हिसाब से वही हुआ है, और ज़्यादातर स्टॉक गिरा नहीं है। और वही अगर होल्डिंग के लिए कहा जाए तो होल्डिंग है 4% लोग अभी भी इसमें अपनी पोजीशन बनाए रखे हैं, होल्ड कॉल है यहाँ पर 4% लोगों की ओर से। और मेरा मानना है कि बिल्कुल आप होल्ड रख सकते हो क्योंकि क्वालिटी वाला स्टॉक है गाइस का, एक टाइम पे स्टॉक 160 रुपये 151 रुपये तक ट्रेड करने वाला स्टॉक मिल रहा है काफ़ी सस्ते में, तो ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है। और रेवेन्यूज़ की अगर बात करें तो रेवेन्यूज़ भी आप देख सकते हो, तो 2017 का रेवेन्यू हम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यूज़ भी अच्छे बढ़े हैं, और 2017 का रेवेन्यू अगर देखा जाए तो 13,705 करोड़ का इसका रेवेन्यू है, वही 2018 का रेवेन्यू अगर देखें 17,012 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, 2018 का रेवेन्यू अगर देखें तो 20,891 करोड़ का है, और 2020 में 18,199 करोड़, और 2021 में 21,418 करोड़ के आसपास दिख जाएगा। वही गाइस अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी ड्रामेटिकल सिचुएशन यहाँ पर रही है, 2017 और 2018 की बात कर लेते हैं, 2017 में रेवेन्यू था नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ था -3,501 करोड़, और 2018 में हुआ था -24,566 करोड़, तो माइनस में ही आपको दिख जाएगा। वही 2019 की अगर बात करें तो 1,711 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट गेन हुआ है, और 2020 की अगर बात करें तो -628 करोड़ के आसपास हुआ है, और 2021 की अगर बात करें तो यहाँ पर प्लस में है, तो ये भी पॉजिटिव बात है कि 2021 में प्लस में आ गया है, तो ये लगभग 2,518 करोड़ तक प्लस में आ गया है, तो गाइस ये भी एक पॉजिटिव बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। और प्रमोटर्स की ही अगर बात कर ले गाइस तो यहाँ पर 72.65% की होल्डिंग है यहाँ पर प्रमोटर्स की, और वही अगर बात करें यहाँ पर जो पब्लिक होल्डिंग है 22.01% की होल्डिंग है पब्लिक की, और जो DI और FI की होल्डिंग है उसमें FI की होल्डिंग है 0.74% और जो DI की होल्डिंग है 4.59% के आसपास की। तो गाइस वही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ शेयर होल्डिंग्स पैटर्न के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पर आप टॉप होल्डर्स हैं यहाँ पर बमनीफॉल स्टील लिमिटेड, जो आप BSL का फुल फॉर्म कई लोगों को अभी भी नहीं पता होगा, तो BSL का फुल फॉर्म वही है गाइस, बमनीफॉल स्टील लिमिटेड ही है BSL का फुल फॉर्म, तो यहाँ पर क्लियर हो गई है बात भी, 72.65% की होल्डिंग उनकी ही है। और जब अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया के काफ़ी बड़े बैंक की होल्डिंग है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लगभग 2.35% की होल्डिंग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। वही अगर यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो बॉडीज कॉर्पोरेट की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी दिख जाएगी, 2.17% के आसपास की है, और नीरज सिंगल की है 1.77%, और भूषण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की 1.11% के आसपास है, और NRIs की 0.43%, और क्लियरिंग मेंबर्स की है 0.35%। तो होल्डिंग्स के बारे में अगर देखा जाए तो होल्डिंग्स काफ़ी अच्छी तो बड़ी ही बड़ी है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर स्टॉक को देखा जाए तो काफ़ी बेस्ट स्टॉक है, क्वालिटी वाला स्टॉक है गाइस, काफ़ी लोअर प्राइस में मिल रहा है, तो बिल्कुल आप इसमें खरीदारी कर सकते हो। सो गाइस वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।